प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। दुनिया भर में कोरोना संकट का नया खतरा सामने आया है। कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। अगर भारत की बात करें तो यहां अक्टूबर और नवंबर में कोरोना की थर्ड वेव आने का अनुमान जताया गया है। सबसे चिंता की बात अमेरिका से सामने आई है। अमेरिका में कोरोना के सबसे खतरनाक R1 वेरिएंट की पहचान हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वेरिएंट के मरीज कम मिले हैं, लेकिन चिंता काफी बड़ी है। विशेषज्ञों की माने तो R1 कोई नया वेरिएंट नहीं है। इस वेरिएंट के मामले जापान में भी मिल चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा 3 दर्जन देशों में नए वेरिएंट के मामले मिले हैं। दुनिया भर में करीब 10,000 मामले R1 वेरिएंट के हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो नए वेरिएंट के मामले कम हैं, लेकिन हमें नए वेरिएंट से बचकर रहना होगा। नए R1 वेरिएंट के ज्यादा तेजी से फैलने का अनुमान जताया गया है। अगर भारत के लिहाज से देखें तो यहां हर दिन औसतन 25,000 मामले सामने आ रहे हैं। भारत में त्योहारी सीजन को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है। इसके बावजूद चिंता बड़ी है। R1 को विशेषज्ञों ने खतरनाक वेरिएंट माना है। विशेषज्ञों की माने तो हमें कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करना होगा। अगर हमने वैक्सीनेशन करवा भी लिया है तो हमें मास्क पहनना और गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। हमारी सावधानी ही कोरोना को खत्म कर सकती है, इसलिए सावधान रहें और कोरोना संक्रमण से बचें। इस रिपोर्ट में इतना ही। दूसरी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।